क्वेश्चन नंबर सिक्स इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मिक्स्ड फार्मिंग. सो आंसर इज दिस इज द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स इज डन एट द सेम टाइम. यानी जिसमें कृषि भी की जाएगी, यानी क्रॉप कल्टिवेशन भी, और साथ में एनिमल रेयरिंग भी की जाएगी एक साथ. दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन द हाईली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और जो भी दुनिया के जो एडवांस्ड एरियाज हैं, डेवलप्ड एरियाज हैं, वहाँ पे इस टाइप का जो की फार्मिंग है वो की जाती है. यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग इन विच एनिमल्स आर रियर्ड अलॉन्ग विद द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एट द सेम, बोथ द एक्टिविटीज आर डन एट द सेम टाइम और साइमल्टेनियसली. क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डेयरी फार्मिंग. आंसर, सो फर्स्ट फीचर इज इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड टाइप्स ऑफ फार्मिंग विच इज सेंटर्ड ऑन एफिशिएंट रेयरिंग ऑफ मिल्च एनिमल्स. तो ये एक ऐसी फार्मिंग है जिसमें कि एनिमल रेयरिंग तो होती है, बट अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ एनिमल्स, मिल्च एनिमल्स यानी दूध देने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनकी रेयरिंग इसमें की जाती है. सेकंड, हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एनिमल्स शेड्स, स्टोरेज फैसिलिटीज, फॉडर, फीडिंग एसेट्रा. तो इसमें जो है हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी काफ़ी ज़्यादा जो कैपिटल है वो चाहिए होता है इसमें इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें पहले तो लैंड चाहिए काफ़ी, फिर एनिमल शेड्स उसमें बनाने होते हैं, स्टोरेज चाहिए, फॉडर फीडिंग वगैरह के लिए चाहिए. तो इस सब के लिए जो है हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है. थर्ड, इट इज़ हाईली लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर. इसमें काम बहुत ज़्यादा होता है एनिमल रेयरिंग में, तो इसलिए जो है लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा लेबर या श्रमिकों की ज़रूरत होती है. फोर्थ, इट इज़ मेनली प्रैक्टिस्ड नियर द अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स वेयर देयर इज रेडी मार्केट फॉर फ्रेश मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. तो ये जो भी इस तरह के जो एनिमल फार्म्स जो होते हैं, मिल्क एनिमल्स के जो फार्म्स होते हैं, वो जनरली जो है वो अर्बन और इंडस्ट्रियल एरियाज़ के पास में बनाए जाते हैं, जिससे कि उनको एक अच्छी मार्केट मिल जाती है फ्रेश मिल्क के लिए और डेयरी प्रोडक्ट्स की सेल के लिए. तो इसीलिए जो है ये कई बार पूछा भी जाता है कि वाई सच टाइप ऑफ रेयरिंग और डेयरी फार्मिंग इज़ डन और प्रैक्टिस नियर द अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स. सो दिस इज़ द रीज़न दैट दे गेट रेडी मार्केट फॉर द फ्रेश मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. फिफ्थ वन इज द स्कोप ऑफ डेयरी फार्मिंग हैज़ इंक्रीज्ड कंसिडरेबली ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड रेफ्रिजरेशन, पाश्चराइजेशन एंड प्रिजर्वेशन प्रोसेसेस. तो जैसे कि इतनी सारी जो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं, जैसे रेफ्रिजरेशन है या तरह तरह के प्रिजर्वेटिव्स आ गए हैं, इनकी प्रोसेसेस आ गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही डेवलप हो गया है, तो डेयरी फार्मिंग का जो स्कोप है वो और ज़्यादा बढ़ गया है प्रेजेंट टाइम्स में. क्योंकि डेयरी फार्मिंग से जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क से लेकर चीज़ और बटर वगैरह, ये जो हैं ये जल्दी ख़राब होने वाली पेरिशेबल थिंग्स हैं, जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें हैं. तो इन सब टेक्निक्स के होने से, अच्छे ट्रांसपोर्ट के होने से या रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी से या प्रिजर्वेशन प्रोसेस से क्या है, ये और भी ज़्यादा इसमें बेनिफिट बढ़ गया है. तो ये सब थे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ. क्वेश्चन नंबर एट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड कलेक्टिव फार्मिंग. सो वी डिस्कस बोथ द टाइप ऑफ फार्मिंग एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस कोऑपरेटिव फार्मिंग. सो कोऑपरेटिव फार्मिंग, इट इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग इन विच अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स voluntarily pool their land and resources and form cooperative society.
तो इसमें क्या होता है कि वॉलेंटरली कुछ जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं जिसमें कि वो अपने लैंड और रिसोर्सेज को सबको एक्यूमुलेट इकट्ठा कर लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हेल्प द फार्मर्स इन प्रोक्योरिंग इम्पॉर्टेंट इनपुट्स एंड सेल द फार्म प्रोडक्ट्स एट द मोस्ट प्रॉफिटेबल रेट्स। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो भी इन फार्मर्स की हेल्प करती हैं कि उनको जो भी मतलब फार्मिंग के लिए जो ज़रूरी चाहिए वो अवेलेबल करवाती हैं साथ में, और उसको उनके प्रोडक्ट्स को जो फार्म प्रोडक्ट है उसको जो है वो बेचकर प्रॉफिटेबल रेट्स में जो है बेचने का भी काम करती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज सक्सेसफुली प्रैक्टिस्ड इन सम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज लाइक डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एसेट्रा। तो ये जो है ये यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी प्रेविलेंट है, ये सच एज डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, ये सब जो देश हैं यहाँ पे कोऑपरेटिव फार्मिंग काफ़ी सक्सेसफुल रही है। एंड इन डेनमार्क दिस सिस्टम ऑफ फार्मिंग इज़ वेरी सक्सेसफुल। और जो डेनमार्क है कंट्री वहाँ पर ये जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है वो काफ़ी सक्सेसफुल रही है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग क्या होती है? कलेक्टिव फार्मिंग इज बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर। तो कलेक्टिव फार्मिंग, जैसे कि इसके नेम से ही सिग्निफाई हो रहा है कि कलेक्टिव फार्मिंग यानी इकट्ठे मिलकर फार्मिंग करना, तो जिसमें कि क्या होता है कि जितना भी मतलब लेबर है और जितना भी उसका एफर्ट होगा उसको हम कलेक्टिवली एक साथ करेंगे। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन USSR आफ्टर 1917 रेवोल्यूशन। तो 1917 में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद USSR में इस टाइप की फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था टू इम्प्रूव अपॉन द इनएफिशिएंसी ऑफ द प्रीवियस मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि पुराने जो जो भी मेथड थे एग्रीकल्चर के वो कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थे। तो उन्होंने ये एक नया कलेक्टिव फार्मिंग से एक नया जो है मेथड इंट्रोड्यूस किया टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड टू बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए जो है ये कलेक्टिव फार्मिंग जो है ये स्टार्ट किया गया था। और कहाँ स्टार्ट किया गया था? USSR में स्टार्ट किया गया था ये, और इसको एक वहाँ पे एक स्पेशल नेम भी दिया गया, कोल खोज। तो दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज ट्रक फार्मिंग? आंसर, ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स अराउंड द अर्बन सेंटर्स टू मीट द डेली डिमांड ऑफ पीपल इज नोन एज ट्रक फार्मिंग। तो ट्रक फार्मिंग जो है जनरली इट इज ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स और कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स एंड इट इज डन अराउंड द अर्बन सेंटर्स, मतलब जो भी बड़े बड़े शहर या महानगर या अर्बन सेंटर्स हैं उसके आसपास के एरियाज़ में जो है ये ट्रक फार्मिंग की जाती है। एंड इट इज़ डन टू मीट द डेली डिमांड ऑफ द सिटीज़, कि शहर की जो हर रोज़ की डिमांड है सब्जियों की, तो उसके लिए जो है ये फार्मिंग जो है ट्रक फार्मिंग ये की जाती है। इट इज़ गवर्न्ड बाय द डिस्टेंस अ ट्रक कैन कवर ओवरनाइट बिटवीन द फार्म एंड द मार्केट। तो ट्रक फार्मिंग इसीलिए इसको शायद नाम भी दिया गया है कि ट्रक के द्वारा जो है जो भी वेजिटेबल्स हैं वो ओवरनाइट जो है वो फार्म से मार्केट तक या सिटीज़ तक पहुंचाई जाती हैं, तो इसी को कहा जाता है ट्रक फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज माइनिंग एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटी? आंसर, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न्ड विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ कमर्शियली वैल्यूएबल मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। यानी कि माइनिंग क्या है? माइनिंग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इट डील्स विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ, कि हम पृथ्वी से जो भी खनिज पदार्थ मिनरल्स जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं
दिस एक्टिविटी इज़ कॉल्ड माइनिंग. जैसे कि हम लोहा, कॉपर और कोल एसेट्रा, जो भी मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो पूरी प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड माइनिंग. डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ अक्रेंस एंड द नेचर ऑफ द ओर, माइनिंग इज़ ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, तो माइनिंग एक्टिविटी को हम टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं. नंबर वन इज़ सरफेस माइनिंग एंड नंबर सेकेंड इज़ अंडरग्राउंड माइनिंग. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटी, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि माइनिंग एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं. नंबर वन इज़ फिजिकल फैक्टर्स, इंक्लूड द साइज, ग्रेड एंड द मोड ऑफ अकरेंस ऑफ द डिपॉजिट्स, के जो भी जो मिनरल डिपॉजिट है वो कितना है, उसका ग्रेड क्या है, कितना अकरेंस कैसी है उसकी, तो ये सब जो हैं ये फिजिकल फैक्टर्स होते हैं. एंड द सेकेंड वन इज़ इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज़ द डिमांड ऑफ द मिनरल, टेक्नोलॉजी अवेलेबल, लेबर, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स एसेट्रा. तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि उस मिनरल की डिमांड कितनी है, कितना उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा, कितना लेबर और टेक्नोलॉजी कितनी अवेलेबल है, तो ये सभी जो हैं ये सब आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स में.